सब कुछ पॉसिबल है फ्रेंड्स। ओनली आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, गॉड के ऊपर भरोसा रखिए, प्रेयर करते रहिए, गॉड के साथ जुड़े रहिए। आप ईमानदारी से, सच्चे दिल से, सच्ची मन से आप अपना काम करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं इवनिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स, हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करती हूँ, 5:30 to 6:00। कभी कभार थोड़ी बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाते तो, बट मैं कंपलसरी करती हूँ हाफ एन आवर का एक्सरसाइज। 15 मिनट्स में बाहर ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ स्टेयरकेस पे, उसके बाद 15 मिनट्स अंदर में प्लैंक एक्सरसाइज करती हूँ, माउंटेन क्लाइंब करती हूँ और जंपिंग जैक्स करती हूँ, 200 जंपिंग जैक्स करती हूँ डेली का। तो ये सब मिला के मेरा हाफ एन आवर का एक्सरसाइज हो जाते हैं फ्रेंड्स। आजकल थोड़ी बहुत बीच बीच में वॉक जाती हूँ, बीच बीच में नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स वॉकिंग, क्योंकि सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि लेट सोती हूँ इसके वजह से। बट डेली हाफ एन आवर का एक्सरसाइज जरूर करती हूँ फ्रेंड्स। एवरीवन वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन, कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे फ्रेंड्स। अभी शाम का 6:30 है फ्रेंड्स, मैं अभी चावल का रोटी बना रही हूँ और मुझे अभी बनाना है पाव भाजी बनाना है, बट मैं पाव नहीं खा रही हूँ ना, मैं पाव लेके आई हूँ घर पे मेरे बेटे के लिए। तो ब्राउन ब्रेड है, ब्रेड के साथ मैं दे देगी पाव भाजी, मीन्स भाजी देगी, पाव तो नहीं है। मेरे लिए मैं हेल्दी चावल रोटी बना रही हूँ, चावल रोटी के साथ मैं पाव भाजी का भाजी खाएगी फ्रेंड्स। तो हेल्दी तरीका है, वेट लॉस में आपको टेस्टी कुछ खाना भी है और हेल्दी भी खाना है, तो ऐसे आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको खा सकते हो फ्रेंड्स। पाव तो नहीं खाना है, तो मैं रोटी बना रही हूँ अभी। रोटी का तो मैं वीडियो नहीं निकाली हूँ फ्रेंड्स, मैं एक्सरसाइज की हूँ, एक्सरसाइज का थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोग को शेयर कर दिया आगे पहले ही। तो उसके बाद मैं पहला ना के आई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे शूट करना था और ये शूट होने के बाद और एक वीडियो शूट करना है, तो मैंने पहले ना के आई। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक्सरसाइज करती हूँ, पानी पीती हूँ, रोटी वगैरह बना के रख के बाद में जाके मैं ना के आती हूँ। तो आज क्या किया मैंने, एक्सरसाइज किया, पानी पी ली, तो तुरंत मैं नहाने के लिए गई, तो ना के आई, उसके बाद अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज तो मेरा डिनर 6:30 में नहीं होने वाला है, क्योंकि 6:30 तो अभी क्रॉस हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी तो अभी बन गया, अभी मैं पाव भाजी बनाती हूँ, तो जल्दी जल्दी, बाद में मेरा अभी टाइम भी ज्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बटर नहीं यूज करने वाली हूँ, मैं घी यूज करके खाएगी फ्रेंड्स। पाव भाजी मीन्स बहुत सारा बटर डालेगा तो ही उसमें टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप बटर के बिना आप घी यूज़ करके देखिए, अभी मैं बनाने के टाइम घी नहीं यूज़ करेगी, कभी भाजी में प्लेट में लेगी ना तभी उसके ऊपर घी डालेगी फ्रेंड्स। और उसके बाद ऑनियन, लेमन, धनिया पत्ता, हम लोग रेगुलर कौन सा कैसे रेसिपी हम लोग फॉलो करते हैं ऐसे फॉलो करने का, तो ओनली बटर के जगह में घी यूज़ करने का फ्रेंड्स। बटर खाना ही नहीं है आपको, अपना वेट लॉस लेने में बटर खाना ही नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मैं ये कटर दिखा रही थी आप लोग को फ्रेंड्स, ऐसे कटर मैं ऑनलाइन ना 4 बार मंगाई थी, 4 बार भी मेरा ख़राब हो गया, ज़्यादा दिन तक नहीं आते, जल्दी वो रस्सी टूट जाते हैं फ्रेंड्स मेरे हाथ से, क्या पता मैं रफ़ यूज़ करती हूँ इसके लिए, पता नहीं है फ्रेंड्स। बट ये बार मैं दुकान से लाई हूँ, ऑफलाइन लेके आई हूँ, देखती हूँ ये कितना दिन तक आता है करके। फ्रेंड्स आपको बटर खाना ही नहीं है, आप कौन सा भी चीज़ों में बटर नहीं यूज़ करना है अपना वेट लॉस जर्नी में। मैं तो पहला बहुत ज़्यादा बटर खाती थी फ्रेंड्स, रेगुलर हम लोग का घर पे बटर रहता था। अभी मैं कभी वेट लॉस जर्नी में आई ना, तब से मेरा घर पे बटर लाना ही बंद कर दिया, मैं घी में आ गई। पहले ना फ्रेंड्स वेट लॉस जर्नी से आने से पहले मैं कभी भी घी नहीं लाती थी घर पे, मुझे बिरयानी भी बनाना रहता था ना, मैं अमूल बटर आधा यूज़ करती थी, आधा हम लोग का कुकिंग ऑयल यूज़ करती थी, ऐसे यूज़ करके मैं बिरयानी बनाती थी फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता था घी खाएगा तो वेट बढ़ेगा करके, ऐसा तो मेरा वेट था तभी 80 किलो तभी था सोच ऐसा। तो उसके बाद में मुझे पता चला, मैं बहुत सारा वीडियो वगैरह देखी तो मुझे पता चला घी खाना ज़रूरी है, सब कुछ लिमिट में खाना ज़रूरी है, घी भी 1 स्पून डेली हम लोग का बॉडी में जाना जरूरी है, स्किन के लिए भी, हड्डी के लिए भी, हेल्थ के लिए अच्छा है, इसके बारे में जानी। तो उसके बाद मैं बटर लाना ही बंद कर दिया, अभी मैं घी लाती हूँ, बटर तो बिल्कुल नहीं लाती हूँ मैं फ्रेंड्स। और एक टॉपिक के ऊपर मुझे आप लोग से बात करना था, रात का डिनर स्किप करेगा तो जल्दी वेट लूज़ होते हैं क्या करके। फ्रेंड्स रात का डिनर स्किप करके मैं 1-3 बार देख चुकी हूँ फ्रेंड्स, मेरे में कुछ काम नहीं किया है वो, ये ट्रिक तो मेरे में काम नहीं किया। आप चाहे तो देखिए, बट मैं बोलती हूँ आप कौन सा भी मील स्किप करने का ज़रूरत नहीं है, आप तीनों मील प्रॉपर लीजिए, बट आप रात का डिनर थोड़ा जल्दी करने के लिए कोशिश कीजिए, और डिनर पे आप चावल और चपाती थोड़ा अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स।
आप जल्दी खाना खाते हैं ना, तो 6:30 7 o'clock के अंदर आप खाना खाते हो तो चलो कोई बात नहीं, आप पोषण कंट्रोल में थोड़ा चावल नहीं तो चपाती आप खा सकते हो। बट आप थोड़ा लेट खाना खाते हो तो बिल्कुल आप चपाती और चावल मत खाइए फ्रेंड्स। मिलेट रोटी बना के खाइए, चावल बाजरा रागी का आटा का रोटी बनाइए, घर पे क्या भाजी सब्जी ग्रेवी बनाए उसके साथ आप खाइए फ्रेंड्स। आपको भूखा रहने का जरूरत नहीं है। आप स्किप करेंगे ना, मील स्किप करेगा तो रात को आपको भूख लगेगा, बाद में आप अनहेल दिखाएगा। इससे अच्छा आप तीनों मील प्रॉपर लीजिए ना, ब्रेकफास्ट आपको स्किप करने का जरूरत है ना, लंच स्किप करने का जरूरत है ना, आपको डिनर स्किप करने का जरूरत है। आपको सब कुछ खाना है प्रॉपर तरीके से, ओनली पोषण कंट्रोल में और हेल्दी आपको खाना है फ्रेंड्स। मैं कौन सा भी मील स्किप नहीं किया था फ्रेंड्स, मैं सब तीनों मील प्रॉपर ले ली थी। बट मेरे में मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ फ्रेंड्स। मैं ना वेट लॉस जर्नी में ना ऐसे बहुत सारा वीडियो देखती थी ना, तभी उसमें बताते थे ना डिनर स्किप करेगा तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है वेट लॉस जर्नी में करके। तो मैं थोड़ी टाइम के लिए मैं ऐसा ट्राई करके भी देखी हूँ फ्रेंड्स, डिनर स्किप करके भी देखी हूँ मैं, बट मेरे में बिल्कुल काम नहीं किया फ्रेंड्स, वो मुझे कुछ भी उसमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो मैंने सोची इससे अच्छा तीनों टाइम का प्रॉपर खाना खा के मैं वेट लॉस करेगी हेल्दी तरीके से, हेल्दी वे में। मील स्किप करने से हम लोग का एनर्जी भी लो हो जाते हैं और दिन भर हम लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, और कभी कभार ज़्यादा भूख लग जाएगा तो हम लोग अनहेल्दी भी खा सकते हैं, उससे हम लोग का वेट भी गेन होएगा। ये भी आप दिमाग में रख के आप बहुत कम खाने से, नहीं तो खाना नहीं खाने से भी आपका वजन बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए आप कम खाएंगे, नहीं तो आप खाना छोड़ देंगे तो आपका वेट जल्दी गिरेगा, ये मत सोचिए फ्रेंड्स कम होएगा। आप कम खाने से और आप नहीं खाने से भी आपका वेट गेन होता है फ्रेंड्स, वेट बढ़ता है, ये भी आप ध्यान में रख के इसके लिए तीनों मील प्रॉपर लीजिए फ्रेंड्स। हम लोग को हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करना है, सब कुछ खा के पी के वेट लूज़ करना है फ्रेंड्स, हम लोग को बीमार नहीं पड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से बात करके मेरा अभी रोटी तो ऑलरेडी मैं बना के रखी थी, उसमें मैं अभी घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा घी लगा रही हूँ। उसके बाद अभी भाजी प्लेट में लेगी, वाटी में लेगी, तभी मैं घी लगाएगी फ्रेंड्स, घी डालेगी उसमें थोड़ा सा 1 स्पून। तो मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था फ्रेंड्स, अभी नीचे नहीं गई हूँ, धनिया पत्ता लाने के लिए नीचे जाता तो टाइम वेस्ट हो जाता, इसके लिए मैं नहीं गई हूँ। तो ऐसे में ऑनियन और लींबू ले लिया फ्रेंड्स। दिवाली का स्वीट घर पे आए तो मैं भी 2 दिन का आई हूँ फ्रेंड्स, एक दिन 2 पेड़ा खाई थी, दूसरे दिन 1 पेड़ा खाई थी। ऐसा तो बहुत सारा था उसमें, अलग अलग फ्लेवर का पेड़ा लड्डू ये सब था, बट मैं कंट्रोल करके 2 दिन का आई हूँ फ्रेंड्स। अभी ये हफ्ते में और भी आने वाला है, मेरा हस्बैंड हर साल दिवाली के लिए मेरे बेटे के लिए ना अलग से लेके आते हैं काजू कतरी ये सब। ये सब होने के बाद अभी मेरा नेक्स्ट वीक से ना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होएगा फ्रेंड्स। पाव भाजी का भाजी बन के तैयार हुआ है, मैं चावल का रोटी ली हूँ, अभी रोटी के साथ खा लेती हूँ। मेरे बेटे के लिए तो ब्रेड है, तो ब्रेड में घी में अच्छे से टोस्ट करके उनको दे देगी। तो कल सुबह में ब्रेड के साथ मैं भाजी खाएगी फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है वो ब्रेड के साथ खाने में। तो अभी मेरा हेल्दी डिनर तैयार हो गया, चलिए अभी खाते। तो उसके बाद दूसरा भी एक वीडियो शूट करना है, वो मैं बाद में करेंगे। पूरा किचन भी साफ करना है मुझे, अभी पूरा किचन भी गंदा हो गया, सिंक में भी बर्तन है फ्रेंड्स, मैं पहला खा लेती हूँ। चलिए हेल्दी सा मेरा ये वीक तो ऐसे अभी थोड़ी बहुत निकालेगी फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ अभी खाएगी पिएगी सब, क्योंकि बाद में क्रिसमस तक मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करेगी नेक्स्ट वीक से। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।